मैडम लुक क्या मैडम लुक क्या लुक क्या रोल हम सफर है सीजन टू ऑल्ट बालाजी पे आएगा. हाँ क्या बोल रहे हो आप. आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम सीजन टू बिकॉज सीजन वन वॉज रियली ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस एंड पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग apart from the acting part I'll go to the story that season 1 mein the story was really nice and well written nicely performed and very relatable and the fact that it's okay that two people fall out of love it's okay as in you shouldn't look down upon aapko immediately judge nahi karna chahiye logo ko ki agar do logo ka divorce ho raha hai jaise bani kar rahi thi aur वो क्रेजी हो गई थी कि ऐसे कैसे मम्मी पापा यू नो डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं एंड दे कांट गेट डिवोर्स्ड एंड ऑल. सो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी यू नो एंड सेड इन अ वेरी नाइस वे एंड हाउ पूनम लाइक माय मदर टुक इट अप वेरी नाइसली एंड शी वाज वेरी डिग्निफाइड एंड इन सीजन टू इट विल बी द नेक्स्ट फेज दैट बानी इज गोइंग थ्रू द सेम फेज और अ सिमिलर फेज एंड देन शी रियलाइजेज कि हाँ इट इज़ डिफिकल्ट कि एक शादी को निभाना कितना मुश्किल होता है वो बानी को सीज़न टू में समझ में आ रहा है और अब उसे समझ में आ रहा है कि जो रूडली वो डैड से बिहेव करती थी और मम्मी से कहती थी कि यू नो कि ऐसे कैसे आप पापा को डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो एंड ऑल दैट. नाउ आई रियलाइज दैट इट्स नॉट दैट ईजी टू गिव अ पर्सन डिवोर्स यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स ऑल अबाउट मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एंड लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड विद लॉट्स ऑफ लव. सो दैट इज़ वॉट इज़ बानी गोइंग थ्रू इन सीज़न टू. ओके सबको समराइज कर दिया. ओके सीजन 2 है एक ही बार में. ओके पहला सीजन जब ऑलरेडी जब इतना हिट हो जाता है इतना पसंद आ जाता है तो हम भी सीजन 2 में कितना मतलब आई थिंक मैं सीजन 2 में प्रो हो रही हूं क्योंकि कसौटी 2 कहने को हम सफर है 2 आई थिंक सीजन 2 मेरे लिए अच्छा जा रहा है टच वुड आई एम गेसिंग कि कहने को हम सफर है सीजन 2 भी बहुत अच्छा होने वाला है. थैंक यू सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुनाइट. सब आ रहे हैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं सब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सबके. अच्छा तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. मैं अभी आया हूँ तो तारीफ कर रहे हैं तो अच्छा है. थोड़ा बहुत मैं भी जाऊँगा सुनूँगा. मैं पहले बता दूँ कि क्या है सीज़न 2. सीज़न 1 में रोहित मेहरा को प्यार हुआ अनन्या से. अनन्या के लिए उसने अपने बच्चों को छोड़ा अपनी बीवी को छोड़ा. बीवी की ज़िंदगी में 20-22 साल एक विवाहित जीवन के बाद विवाह विच्छेद होना
और हस्बैंड का ना रहना, मतलब साथ में ना रहना, तो वो जो है खालीपन छोड़ के जाता है। सीज़न टू में गुरप्रीत यानी कि पूनम उस खालीपन से से कैसे डील करेगी, कैसे उसको भरने का प्रयास करेगी। यहाँ बानी जो बड़ी बेटी है, उसने पिता की ज़िंदगी में इस उथल पुथल के कारण उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल हुआ, उसने उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली पढ़ाई ख़त्म करने से पहले, जबकि पिता ने कहा था कि मत करो पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो, उस पिता के अगेंस्ट गई, वो रेबेलियस नेचर की है। तो अब उसकी उसके विवाह में क्या हो रहा है, और रोहित मेहरा की ज़िंदगी में अनन्या के लिए उसने सब कुछ छोड़ा और अनन्या उसे छोड़कर चली गई, ये सीज़न वन था। अब आगे कैसे पूनम अपना खालीपन भरने का प्रयास कर रही है, बानी की शादी में क्या हो रहा है, बन नहीं रही है तो कैसे बनेगी, नहीं बनेगी, रोहित अनन्या चली गई है, रोहित मेहरा जाएगा उसे वापस लाने या ईगो में नहीं जाएगा, जाएगा लाने तो क्या वो वापस आएगी, वापस आएगी तो क्या वो रह पाएगी, एडजस्टमेंट, वो फ्रीडम जो उसे चाहिए था अनन्या को, तो क्या साथ रोहित के साथ रह के, और रोहित जो एक टिपिकल दिल्ली का ईगोइस्टिक बंदा था, क्या वो अब जो अर्बन कपल बोलते हैं और अर्बन लिविंग, क्या वो एडजस्ट कर पाएगा या नहीं, ये पूरी कहानी है सीज़न टू की। अब आपका प्रश्न है ओके सर, इसी के साथ में जिस तरीके से देखा है सबने बहुत ज़्यादा तारीफ करी, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, ट्रेलर हमने देखा, ट्रेलर बहुत फैबुलस, सब बहुत ज़्यादा तारीफ करी। थैंक यू सर। मेरे अभी वर्ड ऑफ माउथ तो कुछ मैंने सुना नहीं है, अभी आया हूँ जैसे कि मैंने कहा, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पे मेरे जितने फैंस हैं उनका रिएक्शन मैं देख रहा हूँ और पॉजिटिव ही है रिएक्शन, तो अच्छा लग रहा है। तो अब स्क्रीनिंग के बाद सुनेंगे जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे दोस्त यार हैं, सह कलाकार हैं, उनसे सुनेंगे कि उन्हें कैसा लगा। ओके सर, लास्टली सीजन टू है, गुरदीप जी आपकी बड़ी डिमांड, आप जाइए, वहाँ बुला रहे हैं आपको, वहाँ नहीं, यहाँ 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 बुला, अच्छा यहाँ बुला रहे हैं, अब आइए। दो बीवियों के, सॉरी, अरे दो बीवियों के, नहीं सर, कुछ करे यार, यू कम इन द सेंटर। ओके ओके मैम, जिस तरीके से सर से हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने सीजन के बारे, सीजन वन के बारे में बताया, आप क्या कहना चाहेंगे, सीजन टू आ रहा है, क्या नया आने वाला है? इसमें बहुत सी सारे यू नो टफ सिचुएशन हैं, लव थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, रोहित आना की शादी हो चुकी है, कैसे डील करेंगे, आना एंड पूना में एक नई यू नो दोस्ती शुरू हो रही है, सो देयर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स हैपनिंग इन सीजन टू। एंड सर, जब सीजन वन हिट हो जाता है, जब सीजन टू आता है तो प्रेशर है, मतलब एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल प्रेशर है, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ एक्टरों पर नहीं होता, प्रेशर प्रोड्यूसर और जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी हैं एकता जी, उन पर भी थोड़ा ये प्रेशर, नहीं कहूँगा क्या बोलते हैं, वट इज़ द राइट वर्ड, या टू मीट अप विद एक्सपेक्टेशंस, की फर्स्ट सीजन को जब इतना सहारा है लोगों ने, चैलेंज टू मेक सीजन, हाँ, कि सीजन टू में हम बेहतर करेंगे, और तो फिर डायरेक्टर पर भी वो होता है चैलेंज, वेरी राइटफुली सेड, कि हम बेटर करें कहानी को, थोड़ा ट्रीट करें सर, और जैसे कि फोन उठा ले, हाँ तेरा भी कोई हम सफ़र होगा कहने वाला, तो और जैसे कि ऑडियंस हमसे एक्सपेक्ट करती है कि ये सीज़न फर्स्ट सीज़न से बेटर होगा, वैसे हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये सीज़न बेटर हो, और जितना प्यार हमको सीज़न वन में मिला उससे ज़्यादा प्यार मिले सीज़न टू में, तो सबकी सबकी चाह थोड़ी बढ़ी हुई रहती है, जो कि अच्छी बात है, फिर काम भी अच्छा होता है। अब देखेंगे, आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा आपको काम। मैं आप थोड़ा मैं बस यही डिटो डिटो करना चाहूँगी कि यार हमने बहुत मेहनत की है और एक चैलेंज बढ़ गया है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न सबको इतना पसंद आया है तो सेकंड सीज़न हम चाहते हैं कि उतना ही प्यार हमें मिले, बस उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, एंड जस्ट कॉलिंग आउट दैट प्लीज़ कम वॉच, कहने को हम सफर है सीज़न टू। सर, जैसे कि बात चली हम सफर की, तो कल वैलेंटाइन भी है, आपकी पर्सनली बात करिए तो आप किस तरीके से वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं हर बार, और इस बार किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? सर, मेरी वैलेंटाइन बस आती ही होंगी, अरे हाँ आ रही हैं, मैं ज़रा उल्टी दिशा से आया हूँ, वो घर से आ रही हैं, मैं साउथ मुंबई से आया हूँ, तो बस अभी पहुँचती ही होंगी। यार
मेरे लिए कोई 14 फरवरी का जो दिनांक है वो मायने नहीं रखता। मेरे लिए हर दिन, कई लोग बोलते हैं लेकिन मेरे लिए सही है, मैं मतलब मैं ज़िंदगी बड़े प्यार से जीता हूँ, और सिर्फ अपने परिवार से नहीं, जितने लोग हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ये मेरे फैंस, मेरा ऑडियंस नहीं है, मेरे परिवार जैसा ही है। क्योंकि ज़माना था जब मैं मंडे टू सैटरडे उनके घर में ही रहता था, दिन में 3 बार, तो वो एक रिश्ता बना है। और हर दिन बंदे को प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, तो प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, मिलता है ना। तो ये अच्छा है कि चलो एक दिन मुकर्रर किया है, तो हाँ मुकर्रर, तो फ़ायदा तो जो गिफ्ट्स बनाने वाले होते हैं, जो कार्ड बनाने वाले होते हैं फूल वाले, उनका थोड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है। बाकी मुझे तो लगता है कि रोज़ डे होना चाहिए। या वैलेंटाइंस का जो डे है मेरे लिए, अब आई एम सिंगल सो आई डोंट नो व्हाट आई विल बी डूइंग। कल हमारी प्रमोशंस हैं और शो को लेकर, लेकिन आई थिंक बेस्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट हमें ऑल्ट बालाजी ने दिया है टू वॉच आर शो, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। सारे व्यूअर्स के लिए भी हमारा ये प्यार का तोहफा है वैलेंटाइंस डे। कल सुबह से स्ट्रीमिंग होना चालू हो जाएगा हमारा शो, सो डोंट गो आउट एनी वेयर, एंड इफ यू आर आउट ऑन अ डिनर वॉच इट ऑन योर फोन, डोंट टॉक टू योर पार्टनर। वैलेंटाइंस डे पर, वैलेंटाइंस डे सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ भी मनाती हूँ। तो क्योंकि वो आज मेरे साथ यही नहीं है, तो कल हम देखेंगे बैठकर कहने को हम सफ़र है, एंड आई वुड लव टू गेट हिज फीडबैक। सो यस, दैट्स गोना बी माय वैलेंटाइंस डे। सब खत्म करें उससे पहले गुरदीप जी हमारी स्पोक्स पर्सन है, तो वो इधर, इधर आइए। अरे तो आप लोग हैं इसलिए मैं बता दूँ सबको कि 14 फरवरी यानी कि कल वैलेंटाइंस डे पे हमारा शो कहने को हम सफ़र सीज़न 2 आ रहा है ओल्ड बालाजी ऐप पर। तो ओल्ड बालाजी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और सीज़न 1 भी देख लीजिए तो समझ में आएगा कि सीज़न 2 में क्या हो रहा है। और सीज़न 1 अगर आपने देखा है तो प्लीज़ सोशल नेटवर्किंग के ज़रिए हमें बताइए कि आपको सीज़न 2 कैसा लगा, तो हमें सीज़न 3 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी बताइए। एंड प्लीज़ वॉच कहने को हम सफ़र हैं, एंजॉय द शो, लव यू गाइस। एंड I'm very excited because the star cast is just amazing. You know, I feel good because we have such talented actors in Kehne Ko Hai Humsafar. It's Ronit, and there's Mona, and there's Gurdeep, and they all are friends, and they're all brilliant actors. So I'm very excited. Tino, mere friends hai, so definitely all three are brilliant actors. So definitely Tino ke liye I've come here to support. हमारी शूटिंग खत्म हुई और हम लोग डायरेक्टली यहाँ आए हैं टू जस्ट टू सपोर्ट ऑल माय फ्रेंड्स। ओह कल वैलेंटाइन, हम लोग शूटिंग करते तो हमको याद ही नहीं रहता, बट या वैलेंटाइन डे आई थिंक आई एम गोना स्पेंड विद माय लव्ड वंस। वैलेंटाइन इज नॉट अबाउट ओनली स्पेंडिंग विद योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड, वैलेंटाइन इज अबाउट स्पेंडिंग टाइम विद हूएवर यू लव, एंड आई लव माय मम्मा एंड माय कोको द मोस्ट, माय पेट, तो आई थिंक आई एम गोना स्पेंड टाइम विद देम। ओके, हर बार की तरह बात करिए, हर बार किस तरीके से आप बॉयफ्रेंड होता है तो बॉयफ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ हम लोग कर लेते हैं। मैंने ऐसा कुछ स्पेशल वैलेंटाइन डे कभी मनाया नहीं कि बॉयफ्रेंड है तो स्पेशली हम लोग किधर जा रहे हैं, बट आई थिंक हम लोग एवरी डे स्पेशल बनाते हैं, एंड वैलेंटाइन पे हाँ थोड़ा सा एक नॉच अप हो जाता है बिकॉज इट्स वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और डेफिनेटली पहला सीज़न हमारा कमाल का गया है, सेकेंड सीज़न भी बहुत कमाल का जाने वाला है। हमने नागिन में इंटीग्रेशन भी किया है, प्रमोशन भी किया है कहने को हम सफर का, थोड़ी सी स्टोरी भी मुझे पता है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रियल लाइफ से कनेक्टिविटी आपको दिखती है कि हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली यू वुड वॉन्ट टू वॉच इट, यू वुड वॉन्ट टू गो फॉर सीजन 2। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, स्टोरी से रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन ने ज़रूर किया, प्रमोशन ने ज़रूर किया, और बहुत ही अच्छा लगा, कमाल के एक्टर्स आए, ब्रिलियंट
डैशिंग हैंडसम और रौनक जी हैं, मोना जी हैं, एवरीबॉडी इज देयर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी श्योर इट्स गोना बी अ बिग बिग हिट। मैसेज यही है कि जिन जिन को सीजन वन अच्छा लगा है वो तो ज़रूर अपने आप ही देखेंगे, जिन्होंने नहीं वन देखा है वो भी टू देख सकते हैं, क्योंकि टू ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी विद द सेम बैकग्राउंड, सो आप लोगों को कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपने कुछ मिस किया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, डेफिनेटली मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मुझे कनेक्टिविटी दिखती है, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर दिखेगा कि यार हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, सो इट्स वेरी गुड। देखिए कितना कमाल का डिसीजन है 14 फेब को रिलीज़ करने का, क्योंकि ये माहौल में भी प्यार है, हवा में प्यार है, अगर हम देख भी रहे हैं इस तरीके की चीज़ें तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम लुक हियर, सीजन्स हमारे भी अभी यहाँ पे इंडस्ट्री में शुरू हो गए हैं, इट्स अ कल्चर ऑफ आउटसाइड आई थिंक, जहाँ पे बाकी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे वेब सीरीज में या टेलीविजन में सीरीज आते हैं, एंड आई थिंक दिस इज स्टार्टेड नाउ, एंड आई थिंक इन एवरी टर्म टेलीविजन एंड वेब हैज इवॉल्व्ड, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कैनिका हमसफर एट टू नाउ। यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, हाउ कैन यू नॉट बी एक्साइटेड अबाउट रौनक और मोना, आई थिंक पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग व्हाट मोना हैज डन, बिकॉज द काइंड ऑफ लेयरिंग दिस कैरेक्टर हैज, इट्स आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हर वर्क। यार मैं तो जेडन के साथ स्पेंड करूंगी, आई एम गोइंग टू एंड विद माई फैमिली, एंड आई थिंक आई एम हर साल यही होता है, आजकल तो मैं मतलब अपने छोटे से बेटे को लेके जाती हूँ, आई थिंक आई एम गोना टेक जेडन आउट। अरे एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड रिस्पॉन्स, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और जैसे उन्होंने सीजन वन अप्रिशिएट किया था वैसे हमको फिर से अप्रिशिएट करें, एंड आई थिंक इस बार कैरेक्टर्स थोड़े प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनके, एंड आई थिंक बहुत मज़ा आएगा लोगों को देख के इस वैलेंटाइंस। न्याय ये हो गया है कि बिकॉज आपने जैसे सीजन वन में देखा होगा कि रौनक और अनन्या के मैरिज हो जाती है और मेरी और बानी की मैरिज होता है, मिसकैरेज होता है, फिर उसके बाद से जो नहीं इट्स ये एक्चुअली लिखी गई है बहुत रियल टोन में, कि जब फैमिली के साथ होता रहता है कि बाई चांस अगर कभी मिसकैरेज हुआ फिर ये जो यंग कपल के रिलेशनशिप मेरे और बानी के कैसे अफेक्ट होना शुरू होता है, और क्योंकि हम लोग ने बहुत जल्दबाजी में शादी की थी तो अब उसके इफेक्ट्स अभी शादी में दिखने को मिल रहे हैं, एंड क्योंकि उनकी उसकी फैमिली में एज उसके डैड के साथ जो हो रहा है वही चीज़ हमारे मेरे साथ और हमारी फैमिली के साथ होने वाला है, तो आई थिंक दैट्स वो लोग ये देखने को मिलेगा उनको। तो आर्या सीजन वन में बहुत बिंदास लड़का हुआ करता था एंड अभी भी है, बट अभी थोड़ा बिकॉज शादी के बाद उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है, वो चाहता है कि अपनी बीवी के साथ वो यू नो रिलेशनशिप बना के रखे, बट आई थिंक बानी वो समझ नहीं पा रहा है बानी को वो कहाँ से आ रही है, तो आई थिंक आर्या का कैरेक्टर ये है इस बार कि वो समझने की कोशिश कर रहा है कि बानी आ कहाँ से रही है, कि उसके साथ हो क्या रहा है, और वो चाहता है कि मैरिज को वर्क करे, लेकिन क्योंकि दो मैरिज को वर्क करने के लिए दो लोगों के साथ बहुत ज़रूरी होता है, तो इसमें आई थिंक आर्या बहुत ट्राई करता है और बानी की तरफ से आई थिंक कुछ प्रॉब्लम होती हैं, तो उस वजह से आई थिंक दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप देख सकते हैं। हाँ जी यस, क्योंकि बेसिकली अगर जब लव होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स भी होती हैं, एंड आई थिंक यही दिखाया जा रहा है इस शो में कि बिकॉज ये रियल जोन में दिखाया गया शो कि हर फैमिली में लव सब में होता है लेकिन प्रॉब्लम सब में होती है, तो ये अभी दिखाया जाएगा इस बार कि लव के बावजूद कि प्रॉब्लम्स कितनी क्रिएट होती हैं और हम लोग कैसे उस प्रॉब्लम्स को जूझते हैं उससे,
आई थिंक उस शो में यही दिखाया जाएगा उसका। एज अ व्यूअर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए लव इज़ लव, प्यार कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, एंड बट ये है कि वो प्यार को निभाना इट्स अ टास्क। तो इसके लिए आप देखोगे शो, आपको खुद पता चलेगा कि आपके साथ भी ये सब घटनाएं हो चुकी हैं, किसी के साथ हो चुकी हैं। आई थिंक पीपल आर गोइंग टू लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's going to be awesome. पहले भी awesome था, अभी भी awesome है, और वैसे भी all बालाजी बालाजी हैं, and the actors are they all are brilliant, so it'll be awesome. My expectations are quite high after the season one, so I'm really looking forward to season two because trailer ही इतना amazing shoot किया है, and the trailer ends and you have this in mind कि आगे मतलब you know what is it about, होने क्या वाला है, yeah. So I'm sick and I've just come to watch the show. हम लोग सीधे shoot से आए हैं, yeah. Very tired. बट दिमाग में था, दिल में था, जाना है, सो या वी आर हियर, ये है। हाँ, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, इट्स शॉर्ट लाइक अ फिल्म एंड इट लुक्स ब्रिलियंट एंड अबाउ एवरीथिंग, इट्स द स्टोरी इज सो नाइस एंड इट्स लाइक इट आई रियली कनेक्ट विद द स्टोरी लाइक एज एन ऑडियंस, इट्स वेरी अभी अभी की स्टोरी, लाइक यू नो इट्स नॉट सीरियलिश, इट्स नॉट अ टिपिकल फिल्म और एनीथिंग, इट्स इट्स अ वेरी गुड शो, अ लॉट ऑफ पीपल दे कैन रिलेट, दे कुड रिलेट, एंड मोर देन दैट आई फील सो हैप्पी दैट द प्लेटफॉर्म दैट लाइक द प्रोडक्शन हाउस इन विच वी आर वर्किंग इन हैज कम अप विद दिस ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म विच इज क्रिएटिंग सच गुड कॉन्टेंट, सो इट्स जस्ट फील्स अमेजिंग। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सब देखें, इनफैक्ट आप सब देखें जी, एंड It's awesome. Thank you so much. Thank you. Aditi. Who was the devil? Who was the angel? Angel. Sunday. Who was the secret keeper? मैं ये कहना चाहूँगा यार, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो बिकॉज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैंने फर्स्ट सीजन के कुछ एपिसोड्स देखे थे, तीन एपिसोड्स देखे थे, एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। इट्स अबाउट टाइम कि हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा मैच्योर कॉन्टेंट दिखाए और फेस करवाएँ रियलिटी से, और हर एक रिलेशनशिप में दिक्कतें आती हैं, और यू नो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के ऊपर कोई सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोई फिल्म या कोई शो आधारित हो, लेकिन जिस तरह से ये दर्शाया गया है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और मुझे लगता है कि कोई भी सही और गलत नहीं होता, मतलब इन द सेंस के कभी भी आप जैसे बोलते हैं ना, यू शुड नेवर जज द बुक बाय इट्स कवर, तो वही है कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट देखकर हम यू नो अपनी ज्यूरिसडिक्शन ना दें, और वाकई देखें, घुसें मैटर में जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या क्या सिचुएशन थी, क्या सर्कमस्टांसिस थे, क्या परिस्थितियां थी इस इंसान की जो उसने इस तरह के कदम उठाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पहले रौनक दा का जो कैरेक्टर था वो बीवी के साथ रहकर और गर्लफ्रेंड से छुप छुप के मिलता था, रोल रिवर्सल हो गया, तो मैं देखना चाहूँगा कि शो में आगे क्या होता है। यार अब तो वैलेंटाइन ही वैलेंटाइन है, क्योंकि अभी तक तो हमें टाइम नहीं मिलता था मुझे अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हम दोनों बहुत मशरूफ थे अपने अपने शो में, लेकिन आज मेरे शो जो कयामत की रात का रैप हो गया कम्प्लीटली, हमारा शूट खत्म हो गया, तो कल से अब मैं छुट्टी पे हूँ, तो मेरे पास बहुत वक्त होगा अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो यार, मतलब हमारी लाइन थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमें पता नहीं रहता है कि आगे क्या जाने वाला है, तो बातें चल रही हैं, लेकिन कौन सा मटेरियलाइज होता है, कौन सी चीज़ शेप अप करती है, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा।
सर जिस तरीके से व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग टुनाइट इज क्या कहना चाहेंगे कहने को यू नो कहने को हम सफर में जो डेप्थ और जो मैच्योरिटी होगी एक लव स्टोरी की वो मैं देखना चाह रहा हूं आई विल वेरी एक्साइटेड टू सी दोनों जो कैरेक्टर्स अब शादी हो गई है उसके बाद कहां जाएंगे बिकॉज हम हमेशा हमें लगता है ना कि प्यार का जो एंड है वो शादी होती है और आपको शादी हो गई तो प्यार हो गया उसके बाद सब कुछ सेटल हो गया बट लाइफ इज ऑलवेज गोइंग टू बी मूविंग इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट इज गोइंग टू बी ओके सर किसकी परफॉर्मेंस के लिए आप एक्साइटेड हैं अगर आपको पता चले रॉनी ये देखो मोना सी मोना एंड रॉनिट यू नो दे आर सुपर्ब एक्टर्स देयर इज नो डाउट ऑन दैट पर इस बार मुझे ना गुरदीप की देखनी है परफॉर्मेंस बिकॉज शी हैज अ कंप्लीट चेंज रोल रिवर्सल आल्सो सो आई वांट टू सी हाउ वुड हैव शी टेकन हर कैरेक्टर फ्रॉम सीजन 1 टू सीजन 2 इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग प्लस पूजा इज माय फ्रेंड्स ऑफ कोर्स आई वांट टू सी हाउ पूजा इज आल्सो डन ऑन द शो ओके विकास सर इसी के साथ में कल का दिन कितना स्पेशल है आपके लिए क्या कहना चाहिए कल पंचवीट भी आ रहा है एंड कॉन्सर्ट भी सो क्या मतलब क्या चल क्या रहा है दिल में मेरे को दिल में बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज़ हम पागल हो चुके हैं पंचवीट प्रमोट करते करते एंड आई थिंक मैं पहला प्रोड्यूसर हूं जो ज्यादा प्रमोट कर रहा होता हूं हर जगह जाकर बिकॉज़ आप लोग मेरे को तवज्जो देते हैं तो इसलिए मैं जाके बोलता हूँ पंच भी देखिए 14 फरवरी से आ रहा है बट साथ में कहने को हम सफर बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी है जिस किसी ने भी कहने को हम सफर देखा है आई रिमेंबर माय आंटी वॉचेज इट एंड आई गो टू वर्क आउट इन द जिम एट मैरियट एंड मैरियट में यू विल सी पीपल हु आर द वुमेन आर रनिंग एंड दे केप्ट कहने को हम सफर देयर बिकॉज यू नो कहने को हम सफर एक ऐसी स्टोरी है विच इज टचिंग ऑल societies every segment of society the age group that it is supposed to cater to and I'm really hoping that Panchmeet also goes ahead and creates a mark with everyone and iske sath mein Vikas sir kal valentines bhi hai aap kis tarike se aapko valentines main soonga बिकॉज मैं सोया नहीं हूँ कुछ दो तीन हफ्तों से बहुत जरूरी है कि मैं सोऊं वरना मैं बीमार हो जाऊंगा एंड हमने जैसे अभी रिसेंटली भी इंस्टाग्राम पे आपके इंस्टाग्राम में फोटो भी देखी आपने लव के साथ फोटो डाली है हाँ उसके बारे में बताइए सर अच्छा लव हैड कम डाउन टू बॉम्बे और मैं लव से मिला नहीं था बिल्कुल बहुत टाइम से और सडनली आई गॉट अ मैसेज सर अरे यू हियर सो लेट्स कैच अप सो मैं और लव मिले हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत एक्साइटिंग बातें हुई बिकॉज एक डेढ़ साल से आप मिलते नहीं हो किसी से एंड आई गॉट टू नो सो मच गुड थिंग्स अबाउट लव या बिकॉज आई थिंक मेरे ऑफिस ने उसे कॉल किया था शो के लिए एंड ही कुडंट डू इट सो ही टोल्ड मी व्हाई ही कुडंट डू इट हिज बेसिकली हिज पेरेंट्स आर इन दिल्ली एंड दे हैव अ बिजनेस तो वो सब छोड़ के नहीं आ सकता सो फॉर हिम हिज ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट बट पेरेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट सो दैट बैलेंस इफ बॉय इज ट्राइंग टू डू इट्स वेरी गुड इट्स वेरी गुड थैंक यू पार्ट वन जहाँ तक कि मैं जानती हूँ काफ़ी बड़ा हिट था और बहुत लोगों को पसंद आया था क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी थी और पार्ट वन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो ओपन एंडेड छोड़ी गई थी जो अब पार्ट टू में होने वाली है ख़त्म तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो बालाजी है ऊपर से मेरी दोस्त पूजा है तो आई एम काफ़ी एक्साइटेड वॉच ट्रेलर के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे हाँ ट्रेलर काफ़ी इंटेंस है जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी इंटेंस लव स्टोरी थी पहली वाली भी तो पार्ट टू में भी काफ़ी हद तक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है आई रियली वांट टू सी कि आगे होता क्या है तो पता चलेगा मोस्ट पार्ट ऑफ थिंग के वैलेंटाइन डे पे आ रहे एकदम लव स्टोरी एंड प्लस इधर प्लस पॉइंट की वैलेंटाइन डे का इस बारे में बोलना चाहेंगे ये पूरा महीना इनफैक्ट सब लोगों को बहुत पसंद है लव स्टोरीज देखना और प्यार भरी चीज़ें देखना और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना तो इट्स ग्रेट कि 14 तारीख को रिलीज हो रही है वैलेंटाइंस डे पर और सब लोग ज़रूर देखेंगे इसे मत पूछो मुझसे मेरा कोई प्लान नहीं है द प्लान इज टू पैम्पर माई सेल्फ एंड लव माई सेल्फ लाइक ऑल सिंगल पीपल शुड डू तो मेरा वही प्लान है थैंक यू के लाइक सीजन टू बन रहा है इनफैक्ट सीजन वन बींग सो सक्सेसफुल रियली एक्साइटेड एंड ऑल्सो फॉर मी प्लेइंग अ स्मॉल पार्ट इन सच अ प्रोजेक्ट वेयर देर आर सो मेनी ब्रिलियंट एक्टर्स प्लेइंग देयर पार्ट इट्स अ ट्रीट टू वॉच एंड ऑल्सो आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम ओके आप क्या कहना चाहेंगे मैंने स्टार्ट किया इस वेब सीरीज से व्हेन आई स्टार्ट वॉचिंग ऑल बालाजी एंड आई रियली लव द शो
और जब मुझे पता चला कि सीज़न टू आने वाला है तो आई वॉज इवन मोर एक्साइटेड एंड ऑल्सो आर डियर फ्रेंड पूजा इज अ पार्ट ऑफ दिस शो सो यस हाँ भूल ही रहे हैं जी एक्चुअली रौनित दा के साथ मतलब इट्स अ ट्रीट टू वॉच हिम एंड आई वॉन्ट टू वॉच द रिलेशनशिप्स द कॉम्प्लेक्सिटी बिटवीन जो एक बाप और बेटी के बीच है जो पूजा ने मुझे कहीं इनडायरेक्टली एक्सप्लेन भी किया है कि उसका कैरेक्टर कैसा है उसके फादर के साथ रिलेशन क्या है तो वो मुझे देखना है आप क्या कहना चाहेंगे मैंने देखा है सीजन वन सो आई हैव सीन हाउ ब्यूटिफुली दे हैव यू नो पुट फोर्थ ऑल कॉम्प्लिकेशंस एंड हाउ रिलेशनशिप्स आर एंड ऑल द डिफिकल्टीज दैट अ फैमिली फेसेस ओके बात कल वैलेंटाइन्स भी है वैलेंटाइन्स की अगर बात करें तो आप किस तरीके से आपका वैलेंटाइन्स अगर सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हम शूट करेंगे काम करके और काम करके हम जितना कसौटी में प्यार बांट सकते हैं सबके साथ उतना बांटने की कोशिश करेंगे बट हाँ वी आर वर्किंग अगर एरिका के कुछ प्लान्स है उसके बाद तो आप उससे पूछ सकते हो मेरे तो कुछ नहीं है तो हाँ व्हाट वाज दैट आंसर यू आंसर्ड फॉर मी थैंक यू कुछ पूछ सकते हो मैंने कहा मेरे कोई प्लान्स नहीं है क्योंकि हम शूट करते हैं और उसके बाद हम घर पर जाके सोना चाहते हैं देयर इज नो प्लान्स थैंक यू सो मच Thank you.